गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एक और नया चैप्टर डेप्रिसिएशन। इससे पहले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन और कुछ बेसिक टर्म्स से रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज अपन देखेंगे डेप्रिसिएशन। देखिए, जर्नल एंट्री करते टाइम पे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है 50,000 रुपीज़ का और उसमें 10% की उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, तो अपन क्या एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट करते थे। तो अपन 50,000 रुपीज़ का जो फर्नीचर था उसके ऊपर 10% लगाएंगे और ये 5,000 रुपीज़ ऐसे अमाउंट आ जाएगा। तो अपन ने इसकी जर्नल एंट्री करना भी सीख लिया था। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको देखना है कि ये जो आपने परसेंटेज चूज किया है 10%, 15%, ये किस हिसाब से परसेंट निकलता है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, और दूसरा आपको देखना है कि किन मेथड से ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको अपन शॉर्ट में SLM मेथड बोलते हैं, और सेकंड मेथड होता है WDV मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड के ही और दूसरे दो नाम हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वैसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी दो नाम हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए, एक बार अपन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये दो मेथड्स में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में अपन एक एक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपन SLM के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में अपन WDV के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और इसके क्वेश्चंस किस पैटर्न से होने वाले हैं उनको भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए, सपोज मैंने एक फर्नीचर परचेज किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल अपन मान लेते हैं 2015 को मैंने एक फर्नीचर परचेज किया है, और वो जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 लाख रुपीज़ में मैंने ये फर्नीचर परचेज किया है। अब देखेंगे अपन जो डेप्रिसिएशन है, अपने को पता है कि ईयर के बाद में उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होने वाली है, जैसे ही अपन परचेज करते हैं उसके बाद में जब रीसेल करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने को उतनी नहीं मिलती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उसी को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं कि इसके जो दो मेथड है उसके अंदर ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होंगे। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SLM मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WDV मेथड। तो WDV मेथड में कैसे होएगा ये अपन देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अपन ने 1 अप्रैल 2015 को फर्नीचर परचेज किया है, इसका मतलब ईयर का एंड होएगा 31 मार्च 2016। हमेशा अपने को क्या करना होता है, ईयर जैसे ही एंड हो रहा है उस टाइम पे जितनी भी अपने पास में असेट्स पड़ी हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया होता ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर, सपोज मैंने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2015 को, तो इसका मतलब ये नहीं होएगा कि आपको 30 सितंबर 2016, मतलब उस फर्नीचर के एक साल के बाद में डेप्रिसिएशन लगाना है। नहीं, आपको डेप्रिसिएशन हमेशा अपने बुक्स जब क्लोज होती है, मतलब अपना जो ईयर अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होता है, इसका मतलब वो हो जाएगा 31 मार्च को जब क्लोज होता है तभी डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, अब देखिए SLM मेथड में अपन क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10% per annum। अब यहाँ पे देखिए 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब ईयर के एंड में, मतलब 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी उसमें से 10,000 डिक्रीज हो गया और अब कितना बचा है, उसकी वैल्यू बची है 90,000। ऐसे ही अपन WDV के अंदर भी करेंगे, यहाँ पे भी अपने को 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे अपन 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसके बाद में 90,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी, इन दोनों मेथड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है अपने को। अब देखिए नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर इसका मतलब 31 मार्च 2017, एक साल के बाद में अपने को फिर से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए SLM का मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखिए यहाँ पे मैंने इसका नाम बताया आपको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो हमेशा इस 1 लाख रुपीज के ऊपर ही लगाना है। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे
1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज के ऊपर आपको फिर से 10% लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। और इसके बाद में इसकी वैल्यू और कितनी बच जाएगी, 90,000 में से 10,000 और डिक्रीज हो गए, तो अब इसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, 80,000 रुपीज की इसकी वैल्यू बच जाएगी। बट WDV मेथड का देखिए क्या नाम है यहाँ पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब जो आपका रिड्यूस्ड बैलेंस आएगा, जो आपका डिक्रीज होने के बाद में बैलेंस आएगा, उसके ऊपर आपको 10% लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 90,000 के ऊपर 10%, वो हो जाएगा 9,000। और इस हिसाब से आपका जो डेप्रिसिएशन के बाद में वैल्यू बचेगी वो बचेगी 90,000 माइनस 9,000, दैट इज 81,000। तो आपको इसका बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए एक और ईयर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे जब 31 मार्च 2018 आएगा एक साल के बाद में, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। इसका मतलब 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे 10,000 डिक्रीज होने के बाद में 70,000 आ जाएगा। देन इसके अंदर देखते हैं अपन, तो इसके अंदर आपको पता है कि रिड्यूस्ड बैलेंस, इसका मतलब 81,000 का जो रिड्यूस्ड होके बैलेंस आया है उसके ऊपर आपको 10% लगाना है। तो इसका 10% हो जाएगा 8100, और अब इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन के बाद में वैल्यू कितनी बचेगी, 72,900। ध्यान आपको ये रखना है कि एक्चुअल में मार्केट में इसकी क्या सेलिंग वैल्यू है वो अपने डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे डिपेंड नहीं करता है। डेप्रिसिएशन का मेथड सिर्फ यही बता रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगाना है। तो देखिए इसमें आपको बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि SLM मेथड में क्या होता है और WDV मेथड में क्या होता है। तो अब अपन देखते हैं SLM मेथड के अंदर, SLM मेथड के अंदर सारी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे ये 10% कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद में आपको जो असेट का अकाउंट बनाना पड़ता है वो अकाउंट कैसे बनाते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं SLM मेथड। देखिए इस मेथड को भी अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर परचेज किया है 10 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लाख रुपीज, और ये है मेरा फर्नीचर। अब ये जो 10 लाख रुपीज है इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट। ये अपनी क्या हो गई, मशीन, उस फर्नीचर को परचेज करने की कॉस्ट है, तो इसे मैं बोलूँगा ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखिए मुझे ऐसा एस्टिमेट हो रहा है कि इस फर्नीचर को मैं 10 ईयर्स तक रन कर पाऊंगा, मतलब 10 ईयर्स में इसको यूज ले पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 10 ईयर्स हैं, ये 10 ईयर्स क्या हैं, ये इसकी यूजफुल लाइफ है। तो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हो गया, कितने ईयर्स तक मैं उसे यूज ले पाऊंगा, ये एक एस्टिमेट होता है। जरूरी नहीं है कि अपन उसे 10 ईयर्स तक यूज ले पाएंगे, बट अपने को एक एस्टिमेट रखना पड़ता है यहाँ पे। तो 10 लाख जो रुपीज हैं ये इसको मैं 10 ईयर्स में यूज लेने वाला हूँ। अब मुझे बाद में क्या लग रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल में इनको यूज लेने के बाद में फर्नीचर को 2 लाख रुपीज में बेच पाऊंगा, मतलब जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, एकदम जो वेस्ट होएगा उसे भी मैं 2 लाख रुपीज में बेच पाऊंगा। तो ये जो 2 लाख रुपीज हैं ये क्या है, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है, ये क्या है, इसकी स्क्रैप वैल्यू। तो आपको अब देखिए क्या करना है, ये जो 10 लाख रुपीज की वैल्यू है ये आफ्टर 10 ईयर्स कितने में बिक जाएगी, 2 लाख रुपीज में बिक जाएगी, मतलब 8 लाख रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कितने सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर। तो जो 8 लाख है ये क्या है, ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है ये 10 ईयर्स के अंदर है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो अपन यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, देखिए 8 लाख रुपीज अपना डेप्रिसिएशन अपने को लगाना है कितने सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर, मतलब 8 लाख डिवाइड बाय मैं यदि 10 कर लेता हूँ तो एक साल में मुझे कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 80,000 रुपीज़ का मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा मेथड था, मैं जितने में परचेज करके लाया और उसमें से जब मैं इसको यूज लेने के बाद में कितने में सेल कर दूंगा उसको डिफरेंस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास में, डेप्रिशिएबल वैल्यू, कि मुझे इतनी वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है। अब 8 लाख रुपीज मुझे डेप्रिशिएट करना है कितने सालों में करना है,
10 ईयर्स में करना है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो ये 80,000 रुपीज़ क्या है, ये डेप्रिसिएशन मुझे एक साल के अंदर लगाना है। तो इसी हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, डेप्रिसिएशन की रेट भी निकाल सकता हूँ, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट हो गया है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन इन परसेंट यदि निकालूँ तो ये आ जाएगा 80,000 का मुझे डेप्रिसिएशन हर साल में लगाना है। कितनी वैल्यू पे, ये जो 10 लाख रुपीस की जो वैल्यू थी इसके ऊपर, इसका मतलब जो मैं डेप्रिसिएशन का परसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कर लेंगे, तो इस पैटर्न से देखिए कितना आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास में 8% पर एनम। जो आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन में लिखा होता था प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, वही अपन ने देखिए कैलकुलेट कर लिया कि ये जो 10% था, जो 8% अभी अपन ने निकाला है वो कैसे निकलता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन पर ईयर, ये कैसे निकाल रहे हैं अपन, ये निकाल रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। देखिए डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं तो डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाती है कि कितना मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है टोटल यूजफुल लाइफ के अंदर, और जब मैं एक साल की बात करता हूँ तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर दूंगा, तो इससे पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाता है। और जब मुझे इसे परसेंटेज में करना है तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज यदि कैलकुलेट करना है या फिर SLM की जो रेट है ये मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, जो डेप्रिसिएशन मेरा पर ईयर का आया है, डेप्रिसिएशन पर ईयर अपॉन मैं कर दूंगा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, ये मैं कर दूंगा, तो इससे मेरे पास में क्या निकल जाएगा कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एक बार वापस से आप रिवाइंड करके भी इसे देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, तो देखिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी बीच मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, अब से आपको इसी चैनल पे कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या स्पेशल मिलेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स तो मैं लिखवाऊंगा ही, बट इसी के साथ में जब मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हम इधर उधर वीडियोस देखते हैं तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं बन पाता है, तो मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आपकी पढ़ाई होगी, चैप्टर वाइज अपन चलेंगे, उसके सारे नोट्स लिखेंगे, उसके बाद में उसके अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए मैं पिछले 5 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन मोड पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप भी मेरे साथ इन वीडियोस के साथ में यदि आप बने रहें तो डेफिनेटली आप भी 90+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये जो क्लासेस हैं ये आपको प्राइवेट मोड पे अवेलेबल होने वाली है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन क्लासेस में आपको क्या क्या अवेलेबल होगा और कैसे आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 40 से 50 लेक्चर्स मिलेंगे और ये जो कोर्स है ये लगभग 3-4 मंथ्स का चलेगा। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, मैं NCERT बुक और TR जैन और VK ORI की बुक को रेफर करूंगा, यहाँ के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट्स आते हैं तो उस डाउट्स को अपन फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के थ्रू भी इसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इन क्लासेस को आपको ज्वाइन करने के लिए 100 रुपीज पे करने हैं। देखिए कोई भी ऑफलाइन मोड में क्लासेस होती है उनकी फीस 5,000-6,000 रुपीज ईयरली रहती है, मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज में ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न से आपकी पढ़ाई होने वाली है। देखिए अकाउंट्स की क्लासेस मैं आपको करवा ही रहा हूँ और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी क्लास आपकी प्राइवेट मोड पे हो जाएगी, तो इस पैटर्न से आपके 11th क्लास के 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे मेरे साथ में। चलिए देखिए आप इसे पे कैसे करेंगे, आप इसे पेटीएम के थ्रू इस नंबर पे कर सकते हैं, ये नंबर है 9462021300, या फिर आप गूगल पे भी कर सकते हैं 8696421300। इनको पे करने के बाद में आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9462021300 पे सेंड कर देना है, तो इसके बाद में इन वीडियोस को मैं आपके ईमेल आईडी पे शेयर कर दूंगा, बट ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ना ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर पाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इन नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।
तो अब चलते हैं अपन अपने नॉर्मल क्लास के ऊपर। देखिए क्या पढ़ रहे थे अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है मैं TS ग्रेवाल बुक से करवा रहा हूँ। TS ग्रेवाल के अंदर चैप्टर नंबर 14 दे रखा है डेप्रिसिएशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अपन जो रेट अपन ने अभी कैलकुलेट करना सीखा था वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। लिखा हुआ है परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, स्पेंट 24,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। अपने को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो अपन हमेशा मशीन की कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब 96,000 में मैंने परचेज करी और उसके ऊपर 24,000 रुपीस का जो खर्चा किया वो भी उस मशीन की कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब 96,000 प्लस 24,000 120,000 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 4 years। तो यहाँ पे 4 साल दे रखी है इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आगे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ध्यान रखना है आपको रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दोनों सेम ही चीज होती है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू अपने को दे रखी है 72,000। तो देखिए अपन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपने पास में जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था उसी फॉर्मूले से चलना है अपने को। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये जो अपन लिखेंगे इससे अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा और डेप्रिसिएशन के परसेंट निकालना है तो जो डेप्रिसिएशन निकला है उसको अपॉन में कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो देखिए अपन यहां पे करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यूज पुट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट यहां पे क्वेश्चन में गिवन था कि 96,000 में परचेज करी है और 24,000 इसके ऊपर और स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल अपन ने 120,000 के अंदर ये वैल्यू ये जो मशीन है उसे अपन ने परचेज किया है। उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ था इसकी रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है वो 72,000 गिवन थी। तो यहां पे मैं एक वैल्यू पुट कर दूंगा 72,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ इसने बोला था कि 4 years तक ये मशीन चलेगी तो इसकी यूजफुल लाइफ हो जाएगी 4। तो यहां पे इससे क्या निकल जाएगा, देखिए 120 माइनस 72 48,000 आ जाएगा। 48 अपॉन 4 करेंगे तो 12,000 रुपीज आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब अपने को इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं कि जितना डेप्रिसिएशन अपन हर साल लगाएंगे डिवाइड बाय उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 120,000 गिवन है तो डिवाइड बाय 120,000 इनटू 100 कर लेंगे तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन की रेट निकल जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, On 1st April 2015, X Limited purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent 50,000 on its installation. तो मैंने आपको बताया कि जो 50,000 है ये भी उसकी कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट 4,50,000 आ जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है The estimated life of the machine is 10 years. After which its residual value will be 50,000 only. तो यहाँ पे अपने को scrap value भी दे दी और यहाँ पे अपने को estimated useful life भी दे दी। इसके बाद में लिखा हुआ है find the amount of annual depreciation. कितना depreciation हर साल अपने को लगाना है वो calculate करना है according to the fixed installment method. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब हो गया SLM method. तो SLM method से कितना depreciation लगेगा and प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 1st 3 years। तो देखिए ये एक नई चीज़ है, ये आपको समझनी है कि मशीन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट का मतलब हो गया कि मशीन का लेज़र बनाना है आपको 3 सालों का। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मशीन अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला है अपना ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 लाख में परचेज किया और इंस्टॉलेशन 50,000 का कराया तो इसका मतलब टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 4,50,000। माइनस आपको करना है स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी 50,000 तो माइनस कर देते हैं 50,000 डिवाइड बाय आपको करना है यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को 10 इयर्स गिवन थी तो डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब इससे यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 10 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आपको हर साल लगाना है।
तो अब देखिए, अब आपको इसका मशीन अकाउंट बनाना है। देखिए, मशीन अकाउंट कोई अलग चीज़ नहीं है, जैसे अपन मशीन का लेज़र बनाते थे उसी पैटर्न से मशीन अकाउंट बनेगा। मशीन का लेज़र ही मशीन अकाउंट है। तो मैं आपको पहले इसकी जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ, उसके बाद में अपन मशीन का लेज़र बनाएंगे। बाकी इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका लेज़र बना सकते हैं। बट एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बार जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन इसका लेज़र बनाएंगे। तो देखिए, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, जब अपन ने मशीन को परचेज किया था तो अपन एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं, जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 4,50,000 रुपीज। ये टोटल अमाउंट अपन लिखेंगे। इसके बाद में ये जो डेट है यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल 2000। अपन ने सपोज 15 में परचेज किया है तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 आ जाएगा। इसके बाद में ईयर एंड होएगा 31 मार्च 2016 को। इस समय अपने को डेप्रिसिएशन क्या लगाना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये आपको एंट्री आती ही होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन अपना एक एक्सपेंस है, इसलिए अपन इसे डेबिट करेंगे। और असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है ये अपने अभी कैलकुलेट कर ही लिया है, 40,000 रुपीज अपने को ईयरली डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर में क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर में अपन ने कोई नई मशीन तो परचेज नहीं करी है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2017, एक और साल होएगा, उसके बाद में आपको फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। क्योंकि अपन SLM मेथड कर रहे हैं इसलिए हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सेम ही लगेगा, वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 40,000 रुपीज़। तो इस पैटर्न से 3 सालों का अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो एक और ईयर लगा देते हैं अपन, 31 मार्च 2018, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। और 40,000 रुपीज़ का फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब देखिए, अपन क्या करने वाले हैं, अपन मशीन अकाउंट का लेज़र बनाने वाले हैं। तो देखिए, लेज़र कैसे बनाते थे आपको ये पता ही है, लेज़र एक बार बना देते हैं इसका। लेज़र का जो फॉर्मेट था उसी पैटर्न से आपको करना है। यहाँ पे टी शेप अकाउंट बनाना है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मशीन अकाउंट, इधर साइड डेबिट, इधर साइड क्रेडिट, दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, इसके बाद में इधर डेट का कॉलम आता है। तो इस पैटर्न से आपको इसका लेज़र बना देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखिए, मशीन का लेज़र अपन कैसे बनाएंगे, जब मैंने मशीन यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के अंदर मशीन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो मैं लेज़र के अंदर भी क्या करूँगा, इसे डेबिट के अंदर लिखूँगा और ऑपोजिट वाला नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट नाम है टू बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक कर दिया। डेट जो है वो 1 अप्रैल 2015 आ जाएगी। कितने में परचेज किया, वो यहाँ पे 4,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, मशीन अकाउंट कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, मशीन अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है सेकंड एंट्री के अंदर। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका यहाँ पे आपको लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोला है कि ओनली मशीन अकाउंट बनाना है, तो अपन मशीन का ही लेज़र बनाने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ मशीन इफेक्ट हुआ है वहाँ पे अपने को उसका इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड एंट्री के अंदर मशीन क्रेडिट हो रहा है, 31 मार्च 2016 को मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 31 मार्च 2016 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि मशीन क्रेडिट हो रहा था एंट्री के अंदर,
तो मैंने मशीन के लेज़र के अंदर क्रेडिट साइड में लिखा है, और इसके ऑपोजिट क्या आ रहा था, ऑपोजिट यहाँ पे आ रहा था डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है तो अपन यहाँ पे लगा देंगे 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे अपना जो ईयर है वो ईयर क्लोज हो जाता है। देखिए एक साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जैसे ही एक साल कंप्लीट होएगा आपको यहाँ पे जो लेज़र है उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका टोटल लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे 4,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि बैलेंस आपको दोनों साइड रखना पड़ता है तो इधर भी आपने 4,50,000 लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और कितना बैलेंस बचेगा देखिए 4,50,000 माइनस 40,000 कर लेंगे तो 4,10,000 रुपीज़ का बैलेंस बचा है। इसका मतलब मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2016 को कितनी हो गई है 4,10,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए अपन कोई नया लेज़र नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर अपन इसी के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए ये जो 4,10,000 का बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे अपन लिख देंगे ट्रांसफ़र होके 4,10,000 रुपीज़, और ये जो बाय बैलेंस सीडी होता है मतलब कैरिड डाउन, तो वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब हो जाएगा ब्रॉट डाउन, मतलब अपन पिछले साल से बैलेंस लेके आए हैं नए साल के अंदर, और नए साल की जो फर्स्ट डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल 2016, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अप्रैल 2016। अब आपको क्या करना है, अब अगेन सेम वही काम करना है कि यहाँ पे आपको इस साल के अंदर डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है 40,000 रुपीज़ का, तो ईयर का एंड देखिए ईयर का एंड होता है 31 मार्च 2017 को, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन फिर से करूँगा, और यहाँ पे 40,000 लिखूंगा, और अगेन देखिए यहाँ पे भी ईयर क्लोज हो चुका है तो मैं ईयर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है मशीन से रिलेटेड इसलिए यहाँ पे और कोई एंट्रीज नहीं आ रही है, ओनली डेप्रिसिएशन नाम की एक नई एंट्री आ जाती है। देन क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी लिखूंगा मैं। 4,10,000 की मशीन थी जिसमें सिर्फ 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची है 3,70,000 की बची है वैल्यू 31 मार्च 2017 को। इसके अंदर आगे जो क्वेश्चंस है उसके अंदर सारी चीज़ें आने वाली है कि अपन ने बीच में ही मशीन को सेल कर दिया है तो कभी अपने को प्रॉफिट हो सकता है, कभी अपने को लॉस होएगा, तो ये सारी चीज़ें अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। अभी जो ये क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन पहले इसका जो बेसिक है ये समझ लेते हैं, तो उसके बाद में अपन थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी था, नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल 2017। देखिए इस 31 मार्च 2017 के नेक्स्ट दिन की डेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट दिन की डेट क्या हो जाएगी 1 अप्रैल 2017, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, और ये जो बैलेंस है ये जो सीडी वाला जो बैलेंस होता है 3,70,000 वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस साल में भी क्या हुआ है, इस साल में भी ओनली डेप्रिसिएशन लगा है, तो ईयर यहाँ पे 31 मार्च 2018, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, और 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और इसके बाद में इसका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी 3,70,000 माइनस 40,000 कर लेंगे तो 3,30,000 रुपीज़ का मशीन का बैलेंस बच गया अपने पास तीन सालों के बाद में, ये 3,70,000 यहाँ पे भी आ जाएगा 3,70,000, तो इस पैटर्न से आपका मशीन अकाउंट बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत हार्ड चैप्टर है, बट आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप धीरे धीरे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी पैटर्न से आप क्वेश्चंस करते जाइए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन मैं आपको फिर इसके बाद होमवर्क में दूंगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मशीन परचेज्ड फॉर ₹9,00,000। देखिए अपने 1 सितंबर को मशीन ये परचेज करी है 9,00,000 की। इस क्वेश्चन के अंदर आप एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन थे उसके अंदर अपन ने मशीन कब परचेज करी थी, ईयर के स्टार्ट में मतलब 1 अप्रैल को अपन ने परचेज करी थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने जो मशीन परचेज करी है वो ईयर के बीच में परचेज करी है, कहीं ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, तो अपन इसमें एक और चीज सीखेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यूजफुल लाइफ
10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख रुपीज़। तो इस हिसाब से अपन इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे वो अपन देखते हैं। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट है 9 लाख रुपीज़ की, तो 9 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, डिवाइड बाय अपन क्या कर लेंगे इसकी यूजफुल लाइफ कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 10 कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया 6 लाख, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आ जाता है, वो 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो एक चीज़ तो अपन ने ये निकाल ली। अब देखिए एक चीज़ अपने को यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, बट अपन ने जो मशीन परचेज करी है वो कब परचेज करी है, 1 सितंबर को परचेज करी, और 1 सितंबर को जब मैंने ये परचेज करी है तो 31 मार्च तक, मतलब जो अपने क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, तब तक ये मशीन 12 महीने यूज नहीं हो पाएगी। तो आपको जो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 60,000 रुपीज़ का जो डेप्रिसिएशन है ये कितने का है, ये पूरे एक साल का है, मतलब डिवाइड बाय मैं यदि 12 कर दूं, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है तो एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने, और इंटू मैं करूँगा यहाँ पे क्योंकि ये मशीन मेरी कितने महीने चली है। देखिए आप काउंट कर सकते हैं सितंबर से जब आप काउंट करेंगे मार्च तक, इसका मतलब 7 मंथ के लिए ये मशीन चली है, तो आपका टोटल एक साल का डेप्रिसिएशन 60,000 है, तो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अपन इस पैटर्न से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 35,000। तो देखिए पहले साल क्योंकि ये मशीन मेरी 7 महीने ही चली थी इसलिए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 35,000 लगेगा। तो देखते हैं इसके अकाउंट अपन कैसे बनाएंगे, मशीन अकाउंट मैंने यहाँ पे देखिए मशीन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो पूरा रेडी कर दिया है। फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा जब मैंने मशीन परचेज करी है तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 सितंबर 2016 की डेट आ गई। यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैंक क्योंकि मैंने मशीन परचेज जब करी थी तो एंट्री क्या करी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसे डेबिट साइड में लिखूंगा, और इसके ऑपोजिट बैंक आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करूँगा। कितने रुपए में मैंने मशीन परचेज करी है, 9 लाख रुपीज़ में, तो यहाँ पे मैं 9 लाख रुपीज़ लिख दूंगा। तो देखिए मैं अब बिना जर्नल एंट्रीज़ के इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज़ नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली मशीन का लेज़र ही बनाना रहेगा। देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट हर बार आ रहा है, जरूरी नहीं है मशीन अकाउंट ही आए, कोई भी एसेट हो सकती है, बिल्डिंग अकाउंट भी आ सकता है, फर्नीचर अकाउंट भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईयर का एंड, देखिए ईयर का एंड अब कब होएगा, 31 मार्च 2017 को ईयर का एंड होएगा, क्योंकि ये मशीन 7 महीने ही चली है, तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है अपन ने कैलकुलेट किया है 35,000, तो आपको ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन वहाँ पे क्रेडिट हो रही है इसलिए मशीन के लेज़र के अंदर मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, और ऑपोजिट में नाम इसमें डेप्रिसिएशन आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करूँगा। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 35,000 का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि ईयर क्लोज हो गया है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईयर को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे 9 लाख रुपीज़, इधर भी 9 लाख रुपीज़, और इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी, 9 लाख में से 35,000 माइनस हो जाएंगे, 8,65,000 आ जाएगा, ये आपका ईयर के एंड की डेट पे आएगा। और अब देखिए नेक्स्ट ईयर अपन क्या करेंगे, इसी के नेक्स्ट दिन मतलब 1 अप्रैल 2017 यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 8,65,000। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला था कि 3 ईयर्स का आपको मशीन अकाउंट बनाना है, तो 3 सालों तक मैं आपको मशीन अकाउंट बना के बता रहा हूँ एक बार, यहाँ पे 8,65,000 आया। अब इस साल में मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक यहाँ पे कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ईयर के एंड में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है अब ये 35,000 नहीं आएगा,
35,000 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस साल जो मशीन है वो अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2018, मतलब पूरा एक साल चली है। क्योंकि पूरा एक साल चली है तो आपको जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60,000 रुपीज़। तो इससे आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये तो SLM मेथड था, इसके अंदर तो हमेशा हर साल का डेप्रिसिएशन सेम ही आता है। देखिए, डेप्रिसिएशन यूँ अमाउंट सेम ही आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे मशीन कम चली है और इस साल में जो मशीन है ये पूरी चली है, इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। बाकी SLM मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD लिखूंगा मैं। 8,65,000 माइनस 60 कर देंगे तो 8,05,000 आ जाएगा। और यहाँ पे ये ईयर है ये क्लोज हो जाएगा 865, और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 865,000। नेक्स्ट ईयर में क्या होएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD है, नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस BD करूंगा। यहाँ पे ये जो बैलेंस लिखा हुआ है 8,05,000 का, ये यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। और इस साल में फिर से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च 2019 को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। और इस साल देखिए कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि इस साल भी पूरा ईयर मशीन चली है, तो आपको पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है जो कितना है 60,000 का है। बस यहाँ पे आपको बाय बैलेंस लिखना है, इसका बाय बैलेंस CD 8,05,000 माइनस 60,000, इसको आप माइनस कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 7,55,000 आ जाएगा यहाँ पे। और ये आपका ईयर क्लोज हो जाएगा 8,05,000। तो इस पैटर्न से आपको मशीन अकाउंट बनाना है। आपको ये अभी हार्ड लग रहा होगा, थोड़ी अपन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में ये आपको इजी लगने लग जाएगी। कुछ और हार्ड क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे मशीन अकाउंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी मशीन आ सकती है और किसी को अपन ने सेल कर दिया, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, इलस्ट्रेशन 3। राम ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st October 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,40,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो 1st October को मशीन परचेज हुई है, इसका मतलब ईयर के बीच में अपन ने मशीन को परचेज किया है, तो आपको डेप्रिसिएशन ईयरली उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। देन दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 1,40,000 में मशीन परचेज हुई है और 10,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन हुआ है, इसका मतलब टोटल 1,50,000 आपकी ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्म चार्जेज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑफ कॉस्ट एवरी ईयर। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है ये इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजफुल लाइफ नहीं गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन है, डायरेक्टली आपको 10% की रेट दे दी है। तो यहाँ पे आपके देखिए डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,50,000 के ऊपर, मतलब इसको और इसको मिलाने के बाद में 1,50,000 का 10%, इसका मतलब 15,000 का आपका एक साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बट फर्स्ट ईयर में आपको जो डेप्रिसिएशन है वो हाफ ईयर का लगाना पड़ेगा। क्यों हाफ ईयर का लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1st October से अपन मार्च तक करते हैं काउंट, तो 6 मंथ होते हैं, तो 12 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो 15,000 आता है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7,500। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 7,500 आ जाएगा और नेक्स्ट दो ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो 15,000 आ जाएंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। यदि ये लाइन नहीं लिखी होती तो भी अपन यही एज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज हो रहा है। शो द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट का लेज़र बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेज़र बनाना है। देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेज़र मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आप अभी मशीन अकाउंट का ही लेज़र बना लीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी बता दूंगा। और इस क्वेश्चन में आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
तो चलिए इस क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।